हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का एक और इंटरव्यू आज रिलीज हुआ है और यहां पर भी उन्होंने और भी बातों को इसमें ऐड की है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ी जो खबर थी शुक्रवार की, वो ये थी कि 3 बड़ी भर्तियों को जो है कैंसिल कर दिया गया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। उसके अलावा 7 बड़ी भर्तियों को विधिक राय के लिए जो है शासन के पास भेज दिया गया था। और जो आज बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि कार्मिक विभाग को एक पत्र भी आयोग के अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है कि इन भर्तियों पर क्या डिसीजन होना चाहिए। इस इंटरव्यू में जो सबसे पहले बड़ी बात कही गई वो ये कही गई कि आयोग जो है खुद, जी हां, आयोग खुद 3 जो बड़ी भर्तियां कैंसिल हुई हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जी हां, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, BDO, BPDO, वन दरोगा और उसके अलावा जो आपका सहायक रक्षक सचिवालय का जो भर्ती का पेपर कैंसिल किया था आयोग ने, उसी को यहां पर वो कंडक्ट कराएगा। और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि फरवरी तक आपको इसके प्रवेश पत्र जारी देखने को मिल सकते हैं। आयोग ने अपनी ओर से पूरी यहां पर जो है तैयारी कर ली है। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात इस इंटरव्यू में कही गई कि नकल को रोकने के लिए इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी कमर कस ली है। तो किसी भी हिसाब से यहाँ पर कोई भी परिंदा भी इस बार किसी परीक्षाओं में पर नहीं मार सकता है, ऐसा आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है। अब क्या वाकई में ऐसा होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए जो 3 बड़े एग्जाम हैं उनके एग्जाम आपको मार्च में होते हुए दिखाई देंगे और खुद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि भविष्य में वो जो है इन एग्जामों की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और भी कड़े जो है डिसीजन लेंगे। और आज ही हमने आपको सुबह एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक SOP जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की ओर से जारी हुआ है। ये SOP सभी को पालन करनी होगी, यानी कि जो भी पेपर बनाने से लेकर, पेपर छापने से लेकर, एग्जाम सेंटर से लेकर जो है OMRC तक, सारे ये SOPs का जो है यहाँ पर पालन करेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में जो नकल करने वाले पकड़े गए हैं उनको जो है यहां पर डिबार किया जाएगा, यानी कि इन कैंडिडेट्स को दोबारा जो है किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये यहां पर इन्होंने नहीं कहा कि उनके नाम को वो सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी आयोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन कल आपको याद हो कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने जो है UPSI की इस I think if I'm not mistaken एक लिस्ट जारी की थी जहां पर यूपी में नकल करने वालों की जो है पूरी लिस्ट वहां पर जारी की थी। बाकी आपकी क्या राय है, क्या नकल करने वालों की लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।